अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे जीवन में कैसे खुश रहे, जीवन में कैसे खुश रहे। इसलिए जिंदगी भर इसी चीज के लिए ही हम प्रयास करते जीवन में कैसे खुश रहे। लेकिन शास्त्र कहता है खुश केवल भगवान के चरण में, आनंद केवल ठाकुर जी की चरण में ही आनंद है और आनंद कहीं नहीं। लेकिन हम लोग कभी कभी सोचते हैं ज्यादा पैसा होने पर शायद खुश हो जाए, ये सोचते हैं ना ज्यादा पैसा। रावण का नाम सुने होंगे, कौन कौन रावण का नाम जानते हैं? उसके पास में सोने की लंका थी, सोने का लंका था ना, हमारे पास में कितना सोना होगा? 1 किलो होगा, 10 किलो, कितना सोना है बोल तो। इसलिए उसका जिसकी पूरा लंका ही सोना ही है, जिसका डाइनिंग रूम बाथरूम बेडरूम सब सोना ही है, हैं? सोना ही सोना जिनका है। लेकिन तभी वो सुख नहीं था। फिर हम क्या सोचते हैं, शायद अच्छी किसी छोरी से शादी हो जाने पर सुख हो जाएंगे। लेकिन उसको पत्नी का नाम थी मंदोदरी। क्या नाम थी बताए? मंदोदरी मतलब क्या होता है? मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर है, जिसकी कमर बहुत ही पतली थी। इसलिए वो किसका बेटी थी? विश्वकर्मा की बेटी थी है। इसलिए उसका उसने सारे अच्छे अच्छे गुण देकर अपना बेटी को बनाई थी। पर एक पत्नी नहीं, उसको कहां से भी सुंदर से सुंदर जहां लड़की मिली, स्वर्ग से मोहलोक से जहां पर उसको मिला है ना, वो पकड़ पकड़ ला करके अपना पत्नी बनाई थी। इतने पत्नी थी। फिर सोचते हैं अच्छा छोरा हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा। उसका बेटा का नाम था मेघनाथ, देखे कि नहीं? इंद्रजीत, देखे कि नहीं? कितना प्रताप, रामायण देखो क्या प्रताप थी। जिसको पास में 101 लाख पुत्र सवा नाथ उनका नाती थे, हैं कोते थे, इतने थे। लेकिन तब भी वो खुश नहीं, या फिर सीता को उठाकर फिर ले गया है, फिर सीता को उठाकर के ले गया। इसलिए लास्ट में हनुमान ने क्या किया, गया और लंका को जला करके जला दिया ना। आप बताओ सोने में आग लगाने पर कभी आग लगती है? लेकिन हम क्या सुनते हैं हनुमान ने सोने की लंका को भी आग लगाया, सोने में कहीं आग लगती है? बल्कि सोने में जितने आग दोगे ना उतना ही चमचमाता चमकता है ना। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर तुम्हारी सोने की घर क्यों नहीं हो, बढ़िया से बढ़िया घर, बेटा नाती पोती पत्नी बढ़िया से क्यों नहीं हो? शंकर जी कौन, ये हनुमान जी कौन, ये शंकर जी है। शंकर जी का काम होता है संहार करना। यहाँ शिक्षा देते हैं हनुमान, अगर तुम राम से विमुख रहोगे, भगवान से अगर तुम विमुख रहोगे, ये सोने लंका भी जल करके एक दिन राख बन जाएगा, ये भी तुम्हें सुख नहीं देगा। इसलिए रावण कहते हैं, कहते कदा सुखी भवा, शंकर जी से बोलते पर प्रभु कब जीवन में चैन मिलेगा, बेचैन जीवन, जीवन बेचैन जीवन में सुख नहीं। इसलिए ये जड़ वस्तु कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकता है। इसलिए सुख देगा तो क्या देगा, बोले भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम ही सुख देगा। इसलिए कलियुग में भगवान, कलियुग में अपना नाम रूप में भगवान कलियुग में आए। इसलिए कहते हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब तुम भगवान का नाम जप करोगे ना, तुमको 7 फल की प्राप्ति होगी। कितना? 7। आज मैं बोलूंगा, शाम को मैं देखूंगा कौन बोल पाता है, ठीक है? याद ध्यान देकर सुनो। इसलिए भगवान कहते जो पहला लाभ है, एक श्लोक है, हो सकता श्लोक को भी याद कर लेना तुम लोग, बोले चेत दर्पण मार्जनम। पहला लाभ है हमारे हृदय को, मतलब ये चित्त रूपी जो दर्पण है भगवान का नाम करने से ये साफ हो जाएगा। जैसे किसी कपड़े में है, जैसे कि कपड़े जब मैला हो जाते हैं कैसे साफ करते हो? साबुन सोडा से साफ करते हो ना। लेकिन जब दिल तुम्हारी मैला हो जाएगी, वो साबुन सोडा से साफ होने वाले नहीं। कहते हो कैसे साफ होगा, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कहते भगवान का नाम जब करोगे ये चित्र रूपी जो दर्पण है शीशा ये साफ हो जाएगी। जैसे किसी शीशा में जैसे मैला जम जाए, अगर मुंह देखो तो दिखाई पड़ेगा वो नहीं दिखेगा, लेकिन उसको जो साफ कर दोगे फिर उसमें मुंह दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमारे हृदय में अभी हमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है, कारण है हमारे हृदय रूपी जो शीशा है ना उसके ऊपर मैला जम गया। बोले किस चीज की? बोले अनर्थ, अपराध, पाप है, क्लेश, ये सब चीज की मैला जम गई। इसलिए हमें भगवान के नाम अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगती है दुनियादारी चीज हमें अच्छी लगती है। कहते अगर तुम भगवान के नाम जब करोगे ना धीरे धीरे तुम्हारी हृदय साफ हो जाएगा। इसलिए नियम बनाओ, सवेरे नहा धो करके सबसे पहले हरि नाम करो, सबसे पहले हरि नाम करो, भगवान के नाम जब करो। जो जितने प्रभु का नाम जब करोगे उतना तुम्हारी हृदय तुम्हारी साफ होते जाएगी और उतना भगवान के अनुभूति मिलेगा। इसलिए हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं बोलो? रघुपति राघव राजा राम पति तपाव, यही तो करते हैं ना, राम को तो सेवा करते हैं। देखो दुनिया में उसकी पूजा हो रही है, दुनिया में उसकी पूजा हो रही है। दुनिया में अगर जगत में तुम बड़ा बनना चाहते हो ना, कोई हीरो हीरोइन बन करके बड़ा बनने के लिए नहीं चाहो है। सुशांत का नाम सुने हो? हीरो था ना भारतीय। इसलिए कितने कितने हीरोइन पता नहीं थोड़ी कब तक इनका नाम होता है, ऐश्वर्या राय जब तक फिल्म में काम करते तब थोड़ा हीट हो जाए उसके बाद कोई जगत में नाम मिट जाती है, उसके बाद कोई नहीं पूछते हैं। बताओ 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे उनका नाम जगत में कोई है क्या? कोई उनका नाम ले रहा है? लेकिन हनुमान का नाम ले रहे कि नहीं, तुलसीदास का नाम ले रहे कि नहीं, मीरा का नाम ले रहे कि नहीं, ध्रुव प्रहलाद का नाम ले रहे कि? क्यों? ये असली हीरो है, ये असली हीरो है। कहते हीरो बनना चाहते तो भगवान की भक्त बन करके बड़ा दिखा दो, भगवान की भक्त बन करके बड़ा बनकर दिखा दो, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारे नाम कभी मिटेगी नहीं है। इसलिए कैसे वो हीरो बनोगे? भगवान के नाम जप कर। देखो हमारे जो बड़े गुरु जी सब यहाँ पर थे, सब इनका फटो क्यों पूजा हो रही? कारण क्या है? हमारे बाप का बाप का बाप का तो कोई फटलो अगर पूजा करते नहीं, हमारी माँ की माँ की माँ का नाम दुनिया कौन लेता है? मरकर भूत हो गए, कोई नहीं पूछते उनको। क्यों? भजन नहीं किया है, भक्ति नहीं किया, दुनिया में खा पी कर मर गई, इसलिए दुनिया कोई नहीं पूछता है। अगर बड़ा बनना चाहते हो भगवान की भक्त बन करके बड़ा बना करके दिखाओ, दुनिया में सर्वत्र पूजा तुम्हारी होगी है। इसलिए पहला काम क्या होता है प्रभु का नाम करने से? चित्र भी जो दर्पण है ना तुम्हारी साफ हो जाएगी। बोले दूसरा काम क्या होगा? इसको सब एक एक याद रखना है। दूसरा काम कैसे होगा? बोले भवा महातावाग्नि निर्वापण। कहते संसार में जो दुख है, भव मतलब होना, मर जाने पर ज्यादा जब दुख होता है ना सोचता है सुइसाइड कर ले शांति मिलेगा, नहीं, सुइसाइड करने का बाद प्रेत को इतने कष्ट भोगना पड़ता है जो सोच भी नहीं सकते हो। कहीं पानी नहीं पी सकता, खाने को पानी जा पीने के लिए जाओ ना पानी अपने आप सूख जाती है, खाना कहीं देख कर खाए खाने के लिए जाए तो खाना अपने आप कहीं गायब हो जाती है, किसी पेड़ को टहनिया में बैठे तो पेड़ गिर जाती है, बड़ा दुखमय जीवन है। इसलिए सोचते मरने पर खत्म हो जाएगा, नहीं, फिर वही अभी तो भगवान कृपा करके हमें गधे स्वर कुत्ते बनाया नहीं भगवान, हमें कृपा करके ठाकुर मानव शरीर दिया है, इसी जीवन में प्रभु का भक्ति कर सकते हैं और किसी जीवन में नहीं। अगर ये सारे दुख कष्टों को चिरकाल के लिए मिटाना चाहते हैं केवल एक उपाय है, भगवान की भक्ति करो तभी सारा जीवन के लिए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन माम उपतु तो कौन तो पुनर्जन्म देते थे, तब तक ये संसार का दुख कष्ट भोग करते रहोगे जब तक तुम मेरे पास में नहीं आ जाते। मेरे पास में आ जाओगे स्थानम प्राप्तसि शाश्वतम पराम शांति पराम सुख प्राप्त करोगे, कब? जब तुम मेरे पास में आओगे। इसलिए यहाँ पर कहते भव महातावाग्नि, उन्होंने क्या उदाहरण दिया? संसार कैसे, जैसे कहीं साधारण जगह पर आग लग जाए ना फायर ब्रिगेड में आप उसको आग को बुझा सकते हैं, लेकिन अगर कोई जंगल में आग लग गया तो लकड़ी में लकड़ी घिस कर अगर आग लग गया फायर ब्रिगेड काम करेगा? नहीं करेगा काम। कहते हैं संसार में जो आग लगी है ना, आग अब कहाँ आग लगी है? आग कहाँ लगी है?
संसार में सबके सब दुखी बता रहे थे ना, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई भाई से दुखी, कोई बहन से दुखी है। संसार में देखोगे दुखी दुखी, संसार में सबके सब दुखी दुखी संसार में। कहते ये आग कैसे बुझेगी, ये दुख कष्ट तुम्हारी कैसे खत्म हो जाएगी, कैसे खत्म होगी? कहते भगवान की जब नाम जप करोगे ये सारे दुख कष्ट तुम्हारी चिरकाल के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते भव महादावाग्नि निर्वापन। निर्वापन मतलब होता है जैसे कहीं आग लग गई, वो आग को आपने बुझा दिया, लेकिन दो बार तो आग लग सकती है, लग सकती है कि नहीं? लग सकती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं अगर तुम भगवान का नाम को जप करोगे ना दोबारा, कभी भी ये संसार का दुख कष्ट कभी भी तुम्हें उठाना नहीं पड़ेगा, कभी कभी भी ये दुख कष्ट जिंदगी में आएगा नहीं कभी है। हर समय प्रसन्न रहोगे, हर समय आनंद रहोगे। कैसे? एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। केवल भगवान के नाम से कितना लाभ हो गया बोलो, तुम लोग सुन नहीं रहे हो, कितना दो हो गया। पहला लाभ क्या हुआ था? चित्र दर्पण साफ हो जाएगी। दूसरा काम है संसार का जितने सब दुख कष्ट है, सब दुख कष्ट चिर काल के लिए दुख कष्ट तुम्हारी मिट जाएगी। बोले तीसरा लाभ क्या है? बोले श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। उदाहरण दिया है हमारे हृदय कैसे है, कहते कुमुदिनी। कुमुदिनी जानती हो, लीली फूल जो रात को खिलता है, जिसे दिन में कमल का फूल खिलता है, ये सूर्य का किरण पड़ने पर रात को एक कुमुदिनी फूल खिलती है और रात को ये चंद्रमा का किरण से वो फूल खिलता है। उदाहरण दे हमारे हृदय कैसे है, कहते ये कुमुदिनी फूल है लेकिन अभी बुझा हुआ है, अभी ये हृदय बुझा हुआ है, मतलब तरह तरह का दुख कष्ट से हम परेशानी है, ये बुझा हुआ है। लेकिन हृदय रूपी कुमुदिनी खिलेगा कब? पहले भगवान का नाम को उदाहरण दिया, ये चंद्रमा जैसे देखो दिन भर सूर्य का किरण से, गर्मी था ना कितना कष्ट होता था, लेकिन रात हो जाए चंद्रमा का किरण पड़े तो क्या हो जाता है, एकदम सुशीतल दे देता है। उसी तरह भगवान के नाम रूपी किरण जब हृदय रूपी कुमुदिनी के ऊपर में पड़ेगा क्या होगा, हृदय तुम्हारी खिल जाएगी। खिल जाएगी मतलब हृदय तुम्हारी प्रसन्नता हो जाएगी, हृदय प्रसन्न हो जाएगी भगवान के नाम से। तभी तो हनुमान दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं ना। शंकर जी का नाम सुनेंगे नहीं? शंकर जी दिन भर क्या करते हैं? अब शास्त्र पढ़ करके देखो, बोले पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर पंचमुख में हर समय प्रभु का नाम जप करते हैं। माता पार्वती आठ हाथ में देखना, एक हाथ में माला देखोगे, माता जी के एक हाथ में माला देखोगे जप करते हुए। सरस्वती के चार ही हाथ देखना, एक हाथ में माला देखोगे। ब्रह्मा जी के चार हाथ देखना, एक हाथ में माला देखो। ये जितने जगत में जिन जिन का पूजा हो रही ना, जो जितने प्रभु का नाम जप किया ना, जगत में उतना ही बड़ा है वो व्यक्ति, उतना ही जगत में बड़ा व्यक्ति है जो जितने प्रभु का नाम जप किया। इसलिए कहते राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। प्रभु का नाम को कौन जप कर सकते हैं? जपेगा कोई किसका कमजोर दिल वो नहीं कर सकता। बोले कि लोग क्या बोले, उसका बाबा बन गया क्या है, क्या माला जब क्या करते हो, शर्म लगेगा वो नहीं करेगा। वो उल्टा पुल्टा सिगरेट फूक सकता है, शराब पी सकता है, उसमें शर्म नहीं लगेगी। लगेगी कैसे? भगवान की भजन करने में उसको शर्म लगेगी। इसलिए कहते राम नाम की माला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई जिसका दिल मजबूत वही करेगा। जिसका दिल कमजोर हो ना वो शर्म करेगा, लेकिन गंदे काम के लिए शर्म नहीं करेगा, लेकिन प्रभु का भजन के लिए वो शर्म करेगा। इसलिए जपेगा कोई दिल वाला है, जिसका दिल पड़ा वही कर सकता है, है? इसलिए यहाँ पर कहते हैं तीसरा लाभ क्या है, तुम्हारे हृदय रूपी जो कुमुदिनी है, जो फूल है, खिल जाएगा, मतलब तुम्हारे हृदय प्रसन्न रहेगा हर समय, है? हर समय प्रसन्न रहेगा। अब स्वयं देख लेना, अब सवेरे बैठ करके प्रभु का तुम्हारा नाम जप करो, थोड़े समय प्रभु का नाम जप करो, आप देखना जितने समय तुम प्रभु का नाम जप किया ना उतना समय में ही, उतना समय ही तुमको आनंद की प्राप्ति होगी, उतना समय। उसको बाद में मन को छोड़ दे इधर उधर, दुखी दुखी संसार में, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ,
बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे, बेटे की शादी नहीं हो रही, उसका नौकरी नहीं लग रहा है, उसका छूट गया, दुनिया में सारा दिन परेशानी परेशानी दिमाग रहेगा। लेकिन जितने समय देखो बैठ कर प्रभु का भजन करो, उतना समय तुम्हें हृदय को चैन मिलेगी, हृदय को चैन मिलेगी, नहीं तो दिन भर बेचैन मन रहेगी, है बेचैन मन रहेगी। इसलिए तीसरा लाभ हृदय रूप कुमुदिनी खिल जाएगा। बोले चौदह लाभ क्या है, हैं चौदह लाभ, श्री कैरव चंद्रिका वितरण विद्या बधु जीवनम। उदाहरण दिया, ये जो विद्या है इसको उदाहरण दिया एक बहु, विद्या को एक बहु को साथ में, लेकिन ये विद्या रूपी बहु का जीवन क्या है, बोले भगवान की नाम। इसका मतलब है हम जो लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्या अर्जन कर रहे हैं, इसका नाम है विद्या। क्या नाम है आप बता सकते हो, विद्या मतलब क्या होता है, बोलो ज्ञान, विद्या मतलब क्या। हाँ, ये संस्कृत शब्द है, वेद मतलब होता है जानना, है वेद मतलब होता है जानना। बोले किसको जानना, बोले प्रभु को जानना, प्रभु को जानना है। कहते सही से विद्या और फल जानिए निश्चय, वही विद्या का फल है जब भगवान को जान लिया है। इसलिए वेद से विद्या है, है विद्या। इसलिए कहते ना ए बी सी डी, नहीं तो अ आ ई, इसको कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं अक्षर, अक्षर मतलब क्या है बोलो, अ मतलब नहीं, क्षर मतलब विनाश, जिसका विनाश नहीं होता है, इसलिए उसका नाम अक्षर कहते हैं, विनाश किसको नहीं होता है। असली विद्या क्या है, जब भगवान को जान ले, भगवान को जान ले। इसलिए प्रहलाद महाराज की दो टीचर थे, दो उसकी टीचर थे, एक का नाम था संढा और एक का नाम था अमरक। संढा मतलब होता है साढ़, अमरक मतलब होता है बंदर। उनका गुरु को बोले ये कैसे, बोले ये साढ़ और बंदर थे, बोले किसलिए, उसको जो विद्या पढ़ाया था करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति की कोई विद्या नहीं पढ़ाते थे, कैसे पैसा कमाओ, कैसे राज्य शासन करो, कैसे ये दुनियादारी करो, कब इसी में ही जीवन को बिता दे। इसलिए कहते जो गुरु, गुरु मतलब क्या है, गुरु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब होता है आलोक। हमारी हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को जो खत्म करके हृदय में जो उजाला कर दे, कौन है गुरु। अभी जो टीचर्स कहते हैं जो गुरु, लेकिन वो गुरु तभी सही गुरु जब वो भगवान की भक्ति के बारे में बताए। जैसे भगवान राम कृष्ण गुरुकुल में गए, देखे होंगे भगवान राम भी गुरुकुल में गए हुए, ठाकुर जी भी गुरुकुल में गए, वहां पर क्या पढ़ाई होती थी, वेद पुराण इतिहास ये सब चीज को पढ़ाया करते थे, है। इसलिए कहते विद्या की असली फल क्या है, विद्या पढ़ने का असली फल क्या है, जब भगवान की भजन में लगे, जब भगवान की भक्ति में लग जाए, समझना वो विद्या की सार्थकता है। नहीं तो वो विद्या जैसे शरीर छूटते क्या होगा बताओ, मरते समय क्या बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात छूटा है। कोई डिग्री जाएगा तुम, जो पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर के कौन कौन सा डिग्री जाएगी, कोई डिग्री नहीं जाएगी। इसलिए अभी प्रभु जी कथा सुना रहे ना, जब बचपन में बच्चे लोग कहते क्लास फाइव पास कर तो बस हो गया, फिर टेंथ आ गया बस इसको किसी तरह से पास कर लो, बोले दुनिया करता है जब हो गया, बोले ट्वेल्व आ गया, बोले इसमें बढ़िया नंबर आनी चाहिए, जब ट्वेल्व हो गया दुनिया करता है, फिर कोई सब्जेक्ट लेकर पढ़ो, जैसे इंजीनियर साइंस लेकर के जब वो पढ़ाई हो गया, बोले दुनिया करता है, तुमने कौन सा बड़ी बात की, बोले नौकरी करो, नौकरी कर ले, बोले दुनिया नौकरी करता है, फिर शादी करो, शादी कर जब कर दिया, बोले दुनिया शादी करता है, बच्चे जन्म दो, जो बच्चे जन्म दिया, बोले दुनिया बच्चे जन्म देता है, उसको पढ़ाई लिखाई करो, है फिर लिखाई पढ़ाई किया, बोले इसको शादी शुदा करो, करते करते जब शरीर खत्म हो जाता है ना, देखना शरीर जब समाप्त हो जाता है, जब चार व्यक्ति उसको कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गद्दे के बेटा, गद्दे के बेटा, ए बच्चा बैठो। इसलिए अंतिम समय में क्या बोलते हैं, बोले अभी तक जो तुमको बोल रहे थे, तुम्हारी पीएचडी सच्चा है, तुम्हारी इंजीनियरिंग सच्चा है, तुम्हारी शादी सच्चा है, बच्चा सच्चा है, तेरे को हम धोखे दे रहे थे, तुमको धोखे दे रहे थे, ये सच्चा है। असली मंत्र अभी दे रहे हैं, असली मंत्र तेरे को अभी सुना रहे हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बेटा जितने राम और कृष्ण का नाम किया है ना, केवल यही सच्चा था, और तुमको जो सच्चा सच्चा बोल रहे थे, तुमको धोखे दे रहे थे, सब कोई बात झूठा है, तुमने झूठे में अपना जीवन बिताया। कोई जा रहा है तेरे साथ में, एक सुई धागा भी ले जा रहे हो, जिसको सात फेरा लगा कर शादी किया, कहां तक आई,
दरवाजे तक आई, जिसको परिवार बोल रहे थे कहां तक आए, शमशान तक आए, उसको आगे कोई जा रहे है तेरे साथ में? कोई नहीं जा रहे, तेरे को धोखे दिया हमने, तेरे को हमने धोखे दिया। असली ज्ञान दे रहे हैं, कितने राम और कृष्ण का नाम लिया है वही सच्चा था, और सबके सब जीवन में झूठा है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए कहते विद्या बधु जीवनम, लिखाई बढ़ाने का तभी सार्थकता है जब ये लिखा पढ़ा करके भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की भजन करोगे, तभी तुम्हारा लिखा पढ़ा सार्थकता है। कहते इतना छाड़िया चले ली, जब शरीर छूटेगा ये विद्या विद्या डिग्री विग्री कोई साथ में तुम्हारी नहीं जाएगी, कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, वो क्या भी जीव जीवन जीवन मिला, जितने राम का नाम किया भक्ति किया वही पाया, और जगत में सब ही खोवाए, जगत में सब कुछ खोए से जगत में है। इसलिए इसका कितना लाभ हो गया? चार लाभ हो गया। हाँ, कहते पंचवा लाभ क्या है? बोले आनंद बुद्धि वर्धन, जब भगवान का नाम जप करोगे। पंचवा लाभ क्या होगा? कहते आनंद रूपी जो समुद्र है ये बढ़ती रहेगी, ये आनंद कभी कम नहीं होगा। लेकिन ये जगत में कोई भी, अभी बता रहे थे ना प्रभु जी, जगत में कोई भी आनंद चिरकाल के लिए नहीं। जैसे बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आया, सिनेमा देखे हो सबके सब देखे होंगे, एक बार देख लिया बोले कैसे क्या बढ़िया, दो बार देख लिया कैसे हाँ ठीक है, तीसरा बार देख लिया कैसे हाँ ठीक ठाक, चौदह बोले कितना और नहीं जा सकते, और चौदह बार तो बैठ गया, पंचवा बार देख भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। जैसे रसगुल्ला लाए, कल रसगुल्ला खाए हो? कौन कौन खाए? सब खाए, खाए। एक खा लिया कैसे? बोले बहुत बढ़िया है। दूसरा खा लिया कैसे? बहुत अच्छा है। तीसरा खा लिया बोले ठीक ठाक। चौदह खा लिया कैसे? पंचवा बोले और नहीं, मैं चार खा लिया। पांच अगर खा लिया ना, अगर तुमने पंचवा खा लिया, अगर फिर और एक खाओ तो समझो उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, खा नहीं सकते हो। जैसे शादी जो किया हुई, पहले पत्नी कैसे लगती है? बोले एक चंद्रमा आकाश में, एक चंद्रमा मेरे पास है। लेकिन वही चंद्रमुखी को देखना, कुछ दिन बाद में सूरजमुखी बनती है। देना को सूरजमुखी कुछ दिन बाद में ज्वालामुखी। तो लड़ाई झगड़ा अशांति, एक बोले दो बोलते हैं, दो बोले चार बोलती हैं, फिर तुम आपस में मारपीट, फिर डाइवोर्स करते। इसलिए कहते आई लव यू, बाद में आई लीव यू, फिर आई की लीव, जाकर कोर्ट में नंबर काटते हैं, जाकर नंबर काटते हैं कोर्ट में डाइवोर्स के लिए। ये जगत में देखना कोई भी आनंद परमानेंट नहीं, ये सब घटती है, हर समय नीचे उतरती आ रही। लेकिन कहते जो भगवान का जो नाम है ना, इसका नशा कभी नहीं उतरती, ये कभी कम नहीं होती है। देखो जैसे रोज रोज कोई रामायण पढ़ता होगा, गीता पढ़ता होगा, भागवत पढ़ता होगा, जैसे ठाकुर का आरती करते हैं, ठाकुर कभी पुराना लगते हैं? कभी लगते हैं? नहीं। हनुमान जी 24 घंटा में 24 घंटा रघुपति राघव राजा राम पति तमामन सीताराम, हमारे संप्रदाय में देखना संत लोग कभी माला ही नहीं छोड़ते हैं, कोई कोई एक ठाकुर की दो, कोई तीन तीन लाख जी भर प्रभु का नाम जप करते हैं। क्योंकि भगवान का जो नाम में इतने आनंद, इतने रस, प्रभु का नाम में इतने रस है, प्रभु का नाम जो सोच ही नहीं सकते हैं। शंकर जी 24 घंटा प्रभु का नाम जब, पंचम के राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर जी पंचम मुंह में प्रभु का नाम जप करते हैं। उन्होंने पांच मुंह क्यों मांग लिए? बोले प्रभु दो चार मुंह में आनंद नहीं, पांच मुंह दे दो जिसमें प्रभु का नाम जप करते रहे, जिसमें ब्रह्मा का चार मुंह किसी लिए? बोले प्रभु एक मुंह से तेरा नाम कितने लगे, चार मुंह दे तो हर समय प्रभु का नाम जप करते रहेंगे है। इसलिए कहते हैं भक्ति में कभी अरुचि नहीं होती है, भक्ति में प्रभु की कथा में कीर्तन में भजन में कभी ये आनंद घटेगी नहीं, ये हर समय आनंद बढ़ेगी। इसलिए कहते प्रति पदम, हर पद पद में पूर्णामृतम, पूर्ण अमृत उसमें, पूर्ण अमृत इसमें। इसलिए पृथ्वी महाराज कहते प्रभु मेरे को 10,000 कान, 10,000 आंख, 10,000 जीवा दे दो। बोले क्यों? बोले एक जीवा से प्रभु का नाम इतने मीठा कितने करेंगे, अगर 10,000 मुंह दे दोगे दिन भर तेरे नाम करते रहेंगे, दिन भर सेवा तुम्हारी कथा सुनते रहेंगे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते प्रभु तुंडे तांडवी नित बीतनुते तुंडावली लगता है, ये कृष्ण जो अक्षर इसमें कितने रस कितने आनंद है, जब ये जीवा पर कीर्तन करता है कहते मेरे को अर्बुद खरबुद क्यों जीवा नहीं मिले, कान में जब प्रवेश करता है बोले कर्ण करड़ो कड़म नहीं घटे थे हैं,
लेकिन करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया? हृदय में जब प्रवेश करता है, जैसे आनंद के रस की धारा जैसे प्रवाहित होते हैं भगवान का नाम से, भगवान की भक्ति से, हैं? तभी तो हनुमान दिन भर करते रहते, प्रभु का भक्ति करते हैं। इसलिए अगर सही आनंद पाना चाहते हो ना, केवल प्रभु का भक्ति से मिलेगी, ये दुनिया में किसी चीज में नहीं मिलेगी। और जो सप्तम जो लाभ है, कहते हैं सप्तम लाभ क्या है कि प्रतिपदम पूर्णामृत सर्वात्म स्नपनम है। एक दिन ऐसा होगा ना, प्रभु की भक्ति रस में ऐसे सराबर हो जाओगे, भक्ति रस में ऐसे डूब जाओगे ना, सारा दुनिया को ही भूल जाओगे, सारा दुनिया को भूल जाओगे प्रभु का अगर प्रभु जब करोगे तो। इसलिए कहते परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के नाम की जय जयकार हो, है भगवान के नाम की जयकार हो, भगवान के नाम की बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। इसलिए क्या करना, सवेरे नहा धो करके है सबसे पहले प्रभु का माला लेकर बैठो, क्या करो प्रभु की माला लेकर बैठो, हरिनाम करो, है भगवान, क्यों यही धन साथ में जाएगा, और कोई धन साथ में तुम्हारे जाने वाले यही नहीं, सब यही छोड़ कर जाओगे, जितने नाम नाम की कृष्ण धन जप गए यही तो धन, जो जाएगा फिर उसको क्यों नहीं कर रहे, और जो नहीं जाएगा उसको पीछे दिन भर पड़ेंगे, दिन भर उसको पीछे पड़ेंगे। देखो एक चीज समझो अच्छे तरह से, बुद्धि दे करके, ये संसार में हम जो कुछ कर रहे हैं ना, दूसरों को खुश करने के लिए, एक परिवार में पिता किस लिए इतना परिश्रम करता है, अपना पत्नी को कैसे खुश रखे, अपना बच्चों को कैसे खुश रखे, अपना परिवार को कैसे खुश रखे, घर में एक माता जी दिन भर क्या करती है, अपना परिवार सबको कैसे खुश करे, जैसे घर की एक बहू है, घर की बहू कौन है, किस लिए दिन भर परिश्रम करती हो, पूरा परिवार को कैसे, इधर सुना, अपना परिवार को कैसे खुश रखे, इसलिए तो दिन भर करते हो। संसार में जो कुछ करते हो देखना, अपना लिए बहुत कम करती हो, दूसरों के लिए दिन भर करती हो। आपसे एक प्रश्न करता हूं, संसार में तुम्हारे पर कोई खुश है, बोला दिन भर दूसरे के खुश के लिए करते हो, कोई संसार में तुम्हारे पर खुश है, पूछ लो सबको, देखना पीछे तुम्हारी चुगली करते हो, तुम्हारी बदनामी करते हो। बोले संसार में किसी को खुश नहीं कर सकते हो, जिनको जिनके खुश के लिए जिंदगी भर तुम कर रहे हो, किसी को खुश नहीं कर सकते हो, बदनाम किसी भाई संसार में कोई देने वाले नहीं, सब बदनाम ही तुमको देंगे। लेकिन ठाकुर जी ऐसे नहीं, सुदामा जी दो मुठ्ठी चिड़वा दिए, ठाकुर त्रिभुवन का राज्य दे दिया, भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी साड़ी फाड़ कर बैंडेज कर दी, भरी सभा में जब ला जा रही थी कोई उसका काम में नहीं आई, पांच पांच पति भी काम नहीं आए, जो इतने बलवान थे काम आए तो कौन आए, बस एक मुरली वाले ही काम आए, और कोई काम में। इसलिए क्या करनी चाहिए, सवेरे नहा धो करके पहले मुरली वाले के लिए, उसके लिए क्या करो, फिर दिन भर काम करो ना, संसार के काम करते रहो, लेकिन पहले सारे काम जितने को हम कर्तव्य मान रहे थोड़ी समय के लिए उसको पीछे रख लो, उसको पीछे रख लो, रख कर क्या करो, सवेरे उठ करके नहा धो कर सबसे पहले ये माला लेकर के क्या करो, भगवान की थोड़ा नाम जप करो, ठीक है, उसके बाद में फिर अपना घर गृहस्थी नहीं, सवेरे उठते ही चाय चाय करने शुरू कर दो, हाँ जब तक तो चाय नहीं आएगी बेड़े से नहीं उठा, मैं देखा सो माता ही सो रही है, हाँ चाय आएगा तो हम बेड़े से उठेंगे, नहीं तो उठेंगे, ये गंदी आदत को छोड़ो, सवेरे नहा धो करके क्या करो, सबसे पहले भगवान की चाय नहीं पानी पिया करो, जो हेल्थ के लिए अच्छा है, चाय गैस्ट्रिक बनाता है, शरीर के लिए एकदम अच्छी नहीं, इसलिए सवेरे उठ करके सबसे पहले माला लेकर बैठो, अगर थोड़ी देर में अगर नहाओगे, अगर किसी कारण से नहीं, स्नान करने पर भी हाथ धो करके आप बैठ करके बेड ऊपर में भी हरिनाम कर सकते हो, भगवान के नाम करने कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बेड ऊपर बैठ कर भी वही भी माला तुम जप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और नहा धो करके ठाकुर को सेवा पूजा करके थोड़ा भगवान की माला जप करके फिर घर में जो कुछ काम करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, अपना घर को भगवान की मंदिर समझो, बच्चों को भगवान के बच्चे समझो, जो कुछ खाना बनाते हो ठाकुर के लिए रसोई बनेगा, ठाकुर को रसोई बनेगा ये सोच करके रसोई बनाओ, सब कुछ भगवान के लिए खड़ा करो, ठीक है ना। इसलिए अभी जिनका काम है अब लोग तो जाकर घर का जो काम में लगे हुए करो, जिसका कोई काम नहीं है बैठ करके माला करो, बैठ करके इधर बैठ कर गप्पे मत करा मारा करो, जैसे बड़े दिनों में मिले सारा दुनिया की दुनियादारी की बात करने लगे, तुम्हारी बेटी कैसे, सास कैसे, बहू कैसे, सब बैठ कर गप्पे मारने लगे,
समझ रहे हो भाई, भागवत कथा सुनने के लिए आए हो। जितना कोशिश करो, जितना लूट सके, जितने लूट सके हो, बिना फजूल के बैठ करके दुनिया की बात में समय को बर्बाद मत करो। देखो ये मानव शरीर का जो एक एक श्वास है ना, अनमोल है। जैसे अंबानी, नाम सुने कि नहीं अंबानी की? अगर डॉक्टर बोल दिया इसका अंतिम श्वास है, लेकिन अंबानी परिवार कहते हैं तुमको तुमको कोहिनूर हीरे दे रहा हूं, उसको 10 श्वास का वापस ले आओ, ला सकते हैं? एक एक श्वास एक कोहिनूर हीरे से भी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये मानव शरीर कभी ये मानव शरीर नहीं, ये चंदन की बाग भगवान दिए। इसके मानव शरीर के सिवाय कोई भी प्रभु का नाम जप नहीं कर सकते, ये कोहिनूर हीरे ठाकुर जी दिए। एक जो श्वास गया ना, करोड़ों रुपया देने पर भी एक श्वास को वापस नहीं ला सकते हो। ये श्वास की तभी सार्थकता है जब इस श्वास में प्रभु की नाम जप करोगे। क्या करोगे? भगवान की नाम जप लोगे, तभी इसकी सार्थकता है। ठीक है ना? इधर उधर समय को नहीं बिता कर क्या करो? माला जप करो। माला नहीं है, माल है। माला नहीं क्या है? माल है। यही माल असली समय में तुम्हारी काम में आएगी। ठीक है ना? अभी जिनका काम है सेवा, सेवा करो, और जिसका काम नहीं क्या करो? माला लेकर के भगवान की भजन करो। हाँ, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कुमार हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे नाम संकीर्तन की जय। हाँ, जिन जिन को पास में माला नहीं, मेरे पास में आ जाओ, एक से माला ले जाओ जो कल जो दिया था ना। और जिनके पास में है तो आप करो, जिनके पास में नहीं आकर के मेरे से माला ले लो एक एक करके, और हरिनाम करना। और शाम को जब कथा में बैठेंगे तभी माला लेकर के आना। हम रोज कोशिश करेंगे 10-10 मिनट एक एक माला जप करने के लिए। ठीक है ना? क्योंकि जो भागवत जो सुन रहे हैं इसका सहार क्या है? भगवान का नाम इसका सहार है। इसका भगवान का नाम ही सहार है। ठीक है? इसे जाओ अपना।